हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 hours and 8 minutes में कम्प्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेन पटेल एंड क्लीव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला।
तो यहाँ पर हम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया। इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अमेजोन यूके की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो अमेजोन डॉट यूके की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिफ टंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज टेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया। इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में
कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को, एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की, एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 hours and 8 minutes में कम्प्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेन पटेल एंड क्लीव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज
टेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई, तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी। एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो
बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कैटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिफ स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज़ एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब
अब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, किस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेन पटेल एंड क्लीव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन टू द मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी एंड उसी के साथ
साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को उस मूवी के अंदर यूज किया गया। इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को उस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया।
इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिफ टंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी, एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को, एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की, एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, किस मूवी की जनर क्या थी, मीन जिस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी,
जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, कि इस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेन पटेल एंड क्लीव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का।
जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, किस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ
बराबर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिफ टंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड के साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया। इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख,
क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कैटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन टू द मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 hours and 8 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला।
तो यहाँ पर हम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज़ एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अमेजोन यूके की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो अमेजोन डॉट यूके की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिफ टेंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में
कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को, एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की, एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 hours and 8 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेन पटेल एंड क्लीव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज
टेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो
बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कैटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिफ स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी, एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब
अब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, किस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कैटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेन पटेल एंड क्लीव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज़ एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी एंड उसी के साथ
साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया। इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, किस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 hours and 8 minutes में कम्प्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से,
कहते थे, यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी का स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में कि इस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कैटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिफ स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी
जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, किस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, किस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज़ एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का।
जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 hours and 8 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, कि इस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ
पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिफ टंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख,
क्लिव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में कि इस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेल पटेल एंड क्लिव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। तो यहाँ पर हम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज टेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी नमस्ते लंदन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या थी, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 8 minutes की है, मतलब 2 hours and 8 minutes में कम्प्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, ऋषि कपूर, उपेन पटेल, जावेद शेख, क्लीव स्टैंडन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.1 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं Amazon UK की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो Amazon.UK की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर 4.2 out of 5, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में, इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर सुरेश नैयर जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग्स के बारे में, इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर रितेश शाह जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विपुल अमृतलाल शाह जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों चीज़ों को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी के मेन स्टार कौन से थे। तो यहाँ पर ऋषि कपूर जी, अक्षय कुमार जी, कटरीना कैफ जी, नीना वाद्या, उपेन पटेल एंड क्लीव स्टैंडन जी आपको इस मूवी के मेन स्टार एक्टर्स में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी में कौन कौन से बंदे शामिल थे, मीन जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। तो यहाँ पर जोनाथन ब्लूम जी एंड उनके साथ डेरियस वॉल्स्की जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला।
तो यहाँ पर हम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एडलब्स फिल्म्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनर्स एंड एरोस इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 23 मार्च 2007 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 23 मार्च 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इनटू द मिनट्स के बारे में कि मिनट्स में अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पर 128 मिनट्स इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज की गई। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया, इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 210 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 714 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 210 मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर 714 मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।